हेलो, नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण, मैं महेश सैनी, डायरेक्टर आरएससी संस्थान, आप सभी का इस लाइव फेसबुक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आरएससी विद्यालय के अंदर आरएससी बाल मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है और बड़े उत्साह उल्लास के साथ सभी अभिभावक विद्यार्थियों ने इस बाल मेले के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि इस बाल मेले की जो थीम रखी गई थी वह मनोरंजन से पुण्य रखी गई थी, क्योंकि इस बाल मेले से प्राप्त जो धनराशि थी वह गायों को गौशालाओं में चारे की व्यवस्था और बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था, इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। तो इतना जबरदस्त उत्साह अभिभावकों के अंदर लगा, विद्यार्थियों के अंदर लगा कि दिल गदगद हो गया। आपको कुछ झलकियां दिखाता हूं किस प्रकार से बच्चों ने इस बाल मेले के अंदर बड़ा ही शानदार अपना कौशल दिखाया है। मिलाते हैं, ये बच्चों ने चाय की, हेलो, इन्होंने चाय की और सैंडविच की इन्होंने शॉप लगाई। लगभग इनका सारा सामान फिनिश हो चुका है और ये पूरे 10th क्लास के बच्चों ने लगाई है। हेलो, शानदार। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यही वो बच्चे आगे भविष्य, भारत का भविष्य है। और इस तरीके के बाल मेले से बच्चों में एक स्किल के अंदर डेवलप होता है कि समाज के ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के खोमचे की शॉप लगाकर अपना आजीविका चलाते हैं, उनके प्रति बच्चों में एक सम्मान का भाव पैदा होता है, ये फीलिंग है, ताकि बच्चे पता लगा सके कि किस प्रकार से उनके अभिभावक पैसा इकट्ठा करते हैं, एक एक रुपया जोड़ करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था कराते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने भेलपुरी की स्टॉल लगाई है और लगभग अंतिम चरणों में है। ये देखिए, एक स्टॉल ये रही, इस पर जबरदस्त भीड़ दाल पकवान की। हेलो, कैसी रही आप लोगों की आज की सेल? जबरदस्त सेल रही है और इसमें सभी पेरेंट्स का, सभी टीचर्स का, बच्चों का बढ़ चढ़ करके योगदान रहा है। ये सारे स्टाफ भी हैं, सब लगे हुए हैं। सर भी देखो, कैसा लगा बेटा बाल मेला? जबरदस्त, वेरी गुड। ये देखो, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ लगे हुए हैं। हेलो मैडम, ये हमारे आदरणीय टीचर्स, इन्होंने बाल मेले को सफल बनाने में बहुत शानदार योगदान दिया है। हेलो टीचर्स, ये दही पपड़ी की स्टॉल थी जो बिल्कुल शानदार, अपनी उम्मीद से ज्यादा इसने व्यापार किया। यहाँ पर गोलगप्पे की स्टॉल लगी थी जो बच्चों ने अभी समाप्त हो गया है। और ये सोडा शॉप, हेलो, और यहाँ भी भीड़ लग रही है, देखते हैं किस चीज की है। ये पेस्ट्री की, हेलो, ये टीचर से बड़ा शानदार योगदान रहा है इनका इस शॉप को, की सेल को बढ़ाने के लिए, वेरी गुड। ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे सारे, सर कैसा लग रहा है आपको बच्चों के इसमें? बहुत बढ़िया, शानदार लग रहा है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ये हमारा नन्नू सा, हेलो, हाय, कैसा लगा बेटा आपको? अच्छा लगा, वेरी गुड। ये छोटी छोटी स्किल से बच्चों को इस तरीके के व्यवसाय करने वाले लोगों के प्रति एक सम्मान का भाव, समानता का व्यवहार का पता लगता है। ये हमारे पेरेंट्स हैं, सुबह से बच्चों के साथ बच्चा बन करके अपने इस पूरे दिन को व्यतीत कर, कैसा लगा मैडम आपको? अच्छा लगा, वेरी गुड। यहाँ काफी स्टॉल्स लगी है बच्चों की और अब बच्चे अंतिम चरणों की तरफ, स्टॉल का समापन की तरफ चल रहे हैं। अभी एक स्टॉल की तरफ और लेकर के चलते हैं। ये रहे टीचर्स वगैरह सब ने, ये कढ़ी कचौरी की स्टॉल लगाई, वतन कैसी रही आपकी सेल? आपकी कैसी रही दाल मोट की? शानदार। कैसा रहा मैडम बाल मेला? मैडम आप बताएं कैसा रहा? अच्छा लगा। ये दोनों टीचर्स ने भी सेल को इंक्रीज कराने में बच्चों की शानदार मेहनत की, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। यस, तो आरएससी संस्थान अपने बच्चों में कुछ विशेष चीजें डालना चाहता है जो
क्योंकि आरएससी का मोटो है संस्कार से सफलता, और इसी अपने मंत्र के साथ हमेशा आरएससी चलता है, चलता आ रहा है। विगत 11 वर्षों से इस तरीके से अपने संस्थान को उन्नत करता आ रहा है। आगे अनेकों जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें आप लोगों को हम मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय आरएससी। Thank you.